दोस्तों बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागी 4 मूवी से थोड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बागी फ्रेंचाइजी के मेकर्स ने 3 पार्ट रिलीज कर दिए हैं जो दर्शकों को बहुत ही पसंद आया था और साथ में टाइगर श्रॉफ का लुक भी दर्शकों को बहुत ही पसंद आया था। इस बागी फ्रेंचाइजी का अब 4th पार्ट मेकर्स बनाने जा रहे हैं। जिस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं अहमद खान। इस डायरेक्टर अहमद खान ने इससे पहले बागी फ्रेंचाइजी के 2nd और 3rd पार्ट को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। साथ में इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं साजिद नड़ियादवाला और इस मूवी की खास बात यही है कि इस मूवी को 25 देशों में शूट किया जाएगा। साथ में इस मूवी को 150 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनाया जाएगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकती है ऐसा अंदाजा लगाया गया है। साथ में इस मूवी की स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिल सकते हैं और इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग भी रहेगा जो सनी लियोन करती हुई नजर आएगी। पर टाइगर श्रॉफ फिलहाल अपनी आने वाली मूवी गणपत की शूटिंग में व्यस्त है। इसके बाद वो बागी 4 की शूटिंग में काम करेंगे। एक गणपत मूवी विकास बहल द्वारा डायरेक्ट है। इस विकास बहल ने इससे पहले सुपर 30 मूवी को भी डायरेक्ट किया है जो ऋतिक रोशन की मूवी थी और ये बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी थी। गणपत मूवी में हमें टाइगर श्रॉफ एक बॉक्सर का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। वो अपने करियर में पहली बार एक बॉक्सर का किरदार निभाने जा रहे हैं। साथ में इस मूवी में उनका साथ देने वाली है नूपुर सेनन और नौरा फतेही और इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले वासु भगनानी और जैकी भगनानी। गणपत मूवी को 2 चैप्टरों में रिलीज किया जाएगा, गणपत चैप्टर 1 और गणपत चैप्टर 2। दोस्तों आप टाइगर श्रॉफ की बागी 4 और गणपत ये दोनों मूवी में से कौन से देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे।